ये गाइस, तो आज हम जा रहे हैं गोलगप्पे के लिए पानी तैयार करने। तो यहाँ पे हमने ले लिया है फ्रेश पुदीना पत्ता, फ्रेश धनिया, नींबू, नमक, हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा और ये ब्रेस्ट का पानी पूरी मसाला। तो चलिए हम इसे बनाना सिखाते हैं। अब हम पत्ते को जार में डालेंगे। तो सबसे पहले हमने पुदीने की पत्ती ले ली, उसके बाद हमने धनिया डाल रखा है, साथ में हम डाल लेंगे हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो ये हमारा फाइन चटनी तैयार हो गया। इसे हम बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और हमें जितनी पानी की जरूरत है इसमें मिक्स करेंगे। तो थोड़ा सा हम इसमें और पानी ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें नींबू का रस निचोड़ लेंगे। नींबू की खटास बहुत ही बढ़िया होता है। वैसे आप चाहें तो नींबू का वो जो फूल आता है उसे भी डाल सकते हैं, पर इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। तो हम सभी नींबू निचोड़ लेंगे। अब हम पानी पूरी मसाला डालेंगे, इसी से तो स्वाद बढ़ता है। इसको हम मिक्स कर लेंगे और फाइनली हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के इमली की चटनी। इमली की चटनी से खटास वाइलेंस हो जाता है, क्योंकि खट्टी मीठी चटनी होती है। हमारा पूरी के लिए पानी बनके तैयार हो गया है। अब आप अपने स्वाद के अनुसार इसे पतला और कर सकते हैं, नहीं तो ये 4 जनों के लिए इनफ है।